पर के न्यूज की खबर का हुआ है असर। आपको बता दें कि पीएम के स्वागत में नहीं चली जल निगम की घोटालेबाजी। तो के न्यूज की खबर के बाद 50 लाख के टेंडर निरस्त किए गए हैं। तो बिना टेंडर फाइनल किए गए थे 50 लाख का काम और अब निरस्त कर दिया गया। गंगा बैराज पर जल निगम ने किया था कारनामा। 4 दिसंबर को जारी हुई थी शॉर्ट टर्म ई टेंडर नोटिस और 12 दिसंबर के बीच पढ़ने थे टेंडर। तो टेंडर फाइनल होने से पहले ही कराए गए काम, 7 से 12 दिसंबर के बीच पढ़ने थे टेंडर और टेंडर फाइनल होने से पहले ही कराए गए हैं काम। तो ठेकेदारों में पड़ी फूट से हुआ था खुलासा। प्रोजेक्ट मैनेजर शमीम अख्तर ने साधी है इस मामले में चुप्पी और चीफ इंजीनियर ए के गुप्ता ने भी साध रखी है चुप्पी। तो नाराज ठेकेदारों ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से आपको बता दें, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो पीएम के स्वागत में नहीं चली जल निगम की घोटालेबाजी। के न्यूज की खबर के बाद 50 लाख के टेंडर निरस्त किए गए हैं। तो बिना टेंडर फाइनल किए थे 50 लाख का काम और उसको अब निरस्त कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कानपुर से ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमसे जुड़े हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि अब 50 लाख का जो काम है वो टेंडर निरस्त कर दिया गया है, क्या कुछ इस पर और जानकारी मिल पा रही है? सुनील, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से आपको बता दें, प्रोजेक्ट मैनेजर शमीम अख्तर के साथ साथ चीफ इंजीनियर एके गुप्ता ने भी इस पूरे मामले में साध रखी है चुप्पी। तो ठेकेदारों में बड़ी फूट से हुआ था खुलासा। प्रोजेक्ट मैनेजर समेत चीफ इंजीनियर जो है वो अब मौन धारण कर बैठे हैं। नाराज ठेकेदारों ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पीएम के स्वागत में नहीं चली जल निगम की ठेकेदारों की घोटालेबाजी। तो बिना टेंडर फाइनल किए गए थे 50 लाख रुपए के काम और गंगा बैराज पर जल निगम ने किया था एक बड़ा कारनामा। 4 दिसंबर को जारी हुई थी शॉर्ट टर्म ई टेंडर नोटिस और 12 दिसंबर के बीच पढ़ने थे टेंडर। तो टेंडर फाइनल होने से पहले ही कराए गए सारे काम। ठेकेदारों में पड़ी फूट से हुआ बड़ा खुलासा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, और खुलासे के आपको बता दे, काम के प्रोजेक्ट मैनेजर शमीम अख्तर ने साधी है चुप्पी और चीफ इंजीनियर एके गुप्ता भी मौन व्रत धारण करे बैठे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको कानपुर से बता दे, केजीएस की खबर का बड़ा असर हुआ है। और एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ कानपुर से सुनील गुप्ता जुड़े हैं। सुनील, एक बड़ा घोटाला सामने हुआ है और चीफ इंजीनियर और साथ साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर ने चुप्पी साध रखी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के आगमन के चलते गंगा बैराज पर जल शोधन एवं संयंत्र लगाया गया, तो उसमें उसके लिए टेंडर आयोजित किए गए थे। उसमें टेंडर डालने की प्रक्रिया 7 से 12 तारीख के लिए समय दिया गया था और 12 तारीख को टेंडर खुलने थे, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे थे इसके चलते थे अधिकारियों ने जो जल निगम के निर्माण सारे नियमों को सड़क पर रखते हुए जो कंपनियों को ठेके दिए गए उनमें उन्होंने तुरंत काम करके उसको पूरा भी कर दिया और इस मामले की जांच चलिए। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो नाराज ठेकेदारों ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। तो आपको बता दें, पीएम आगनस पहले जिस तरह से तैयारियां चल रही थी उसमें अब एक बार आपको बता दें, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो टेंडर होने से पहले ही जारी कर काम जो था वो हो चुका था और के न्यूज की खबर के बाद 50 लाख के सभी टेंडर निरस्त किए गए।